हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटी ऑफ द पुलिस। पुलिस की क्या रिस्पांसिबिलिटी है और पुलिस की क्या ड्यूटी है, ये आज हम देख रहे हैं कि क्या उसकी ड्यूटी है। देखिए मुख्तलिफ रिस्पांसिबिलिटी, पहली जो हम ड्यूटी देख रहे हैं वो है एटीट्यूड टू द पब्लिक। पब्लिक के साथ पुलिस का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए पुलिस ऑर्डर अगर हम 2002 को देखते हैं, उसका चैप्टर 2 है, उसके तहत पुलिस जो है अवाम के साथ डेकोरम, ड्यू डेकोरम के साथ और कोर्टेसी के साथ, अच्छे बिहेव के साथ पेश आएगी, एक अच्छा बिहेव रखेगी। और इसके अलावा वो इनविटी को प्रमोट नहीं करेगी। और जो डिसेबल पर्सन है, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, बच्चे हैं, उनका वो सहारा बनेगी। और इसके अलावा जो स्ट्रेस किस्म के लोग हैं उसको भी असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा अवाम को एक्सप्लोटाइजेशन से बचाएगी, अगर कोई खतरा में है तो ऑफ कोर्स उसकी मदद करेगी। ये है पुलिस ऑर्डर चैप्टर 2 के तहत कि एटीट्यूड किस तरीके से होगा पुलिस का अवाम के साथ। दूसरा, अगर हम बात करते हैं दूसरी ड्यूटीज की, अगर हम बात करते हैं पुलिस ऑर्डर 2002 के चैप्टर 2 के मुताबिक, अगर हम देखते हैं उसकी जो ड्यूटीज है वो है प्रिजर्व एंड प्रमोट पब्लिक पीस। ये उसका पुलिस का ड्यूटी है कि वो पब्लिक पीस को प्रमोट करे। इसके अलावा इंश्योर राइट एंड प्रिविलेजेस, पुलिस का ये भी एक ड्यूटी है कि वो राइट्स को और प्रिविलेज को इंश्योर करेगी। जिसकी कस्टडी में है उसके ऑफ कोर्स उसके राइट्स का ख्याल रखेगी और उसके प्रिविलेज का ख्याल रखेगी, ये पुलिस की ड्यूटी है। और इसके अलावा प्रिवेंट कमीशन ऑफ द अफेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस, इसके अलावा वो पब्लिक न्यूसेंस का ख्याल रखेगा कि पब्लिक न्यूसेंस पैदा ना हो। और इसके अलावा कमीशन ऑफ अफेंस को जुर्म होने से रोकेगी, अगर कोई वो देखती है कि कोई जुर्म हो रहा है या जुर्म होने वाला है तो उससे वो उसको भी ये रोकेगी। और इसके अलावा कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग पब्लिक पीस एंड क्राइम इन द जनरल तरीके से वो ये भी एक तो कम्युनिकेट करेगी जो कि इंटेलिजेंस अफेक्टिंग पुलिस जो है अमन के बारे में। और इसके अलावा और जो इसकी ड्यूटी वो बनती है कि आवाम सड़क गली में अगर कोई रुकावट पैदा कर लेता है तो ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो सड़क पर या गली में जो रुकावट है उसको वो दूर करे। जो रास्तों को जो अवामी तौर पर या रिस्टोर में अवामी तौर पर जो रास्ते हैं या कोई वर्शिप की जगह है, कोई इबादत गाह है, कोई मस्जिद है, कोई पब्लिक रोड है, कोई गली है, और इसके अलावा वो पुलिस उसको इस ट्रैफिक को भी रेगुलेट करना, ये भी ड्यूटी है ऑफ द पुलिस। और इसके अलावा जो अनक्लेम प्रॉपर्टी है उसका चार्ज लेना और इसके अलावा उसकी इन्वेंटरी लेना, अगर कोई अनक्लेम प्रॉपर्टी है तो ये भी पुलिस की ड्यूटी। और इसके अलावा जो है जो अफेंडर है उनको डिडक्ट करना और उसको पकड़ के जस्टिस की तरफ ले जाना, इंसाफ के कटहरे में उनको खड़ा करना, ये पुलिस की ड्यूटी है। और इसके अलावा जिनको कानून इजाजत देता है उनका गिरफ्तार करना और जिनके खिलाफ काफी मवाद मौजूद है उसको गिरफ्तार करना और गिरफ्तार शख्स की मालूमात उस तक पहुंचाना जिसको वो चाह रहा है। उसके अलावा ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि किसी जगह पर अगर वो दाखिल होते हैं तो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो ऐसी पब्लिक जगह पर अगर वो जाते हैं तो वो कोई गलत कोई ड्रिंक इस्तेमाल हो रहा है, अल्कोहल ड्रिंक इस्तेमाल हो रहा है, मनुष्यात इस्तेमाल हो रही है, कोई इल्लीगल वेपन्स इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर कोई स्टोर है इस चीज पर इंस्पेक्शन जो है वो कर सकते हैं, उसको मालूम मिलती है कि जी इस स्टोर पर इल्लीगल जो है असला है, मनुष्यात है या यहाँ अल्कोहल का काम होता है, तो ये पुलिस का राइट है उसको उस पर इंटरव्यू हो सके और उसकी इंस्पेक्शन भी कर सके। इसके अलावा पुलिस का ये भी एक उसकी ड्यूटी है कि जो लीगल हुक्म है उसको माना और ईमानदारी के साथ उस पर एग्जीक्यूट करना, ये पुलिस के जो है वो ड्यूटी है। और इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को
तबाही से, नुकसान से बचाना, वायलेंस से बचाना, और इसके अलावा एजेंसियों के साथ कॉपरेट करना, ये भी पुलिस की ड्यूटी है। और इसके अलावा जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ औरतों और बच्चों को हरास नहीं करना, हरासत से बचाना और ख़ुद भी हरास नहीं करना, ये भी पुलिस की ये ड्यूटी है। पुलिस ऑफिसर शुड मेक एवरी एफर्ट्स टू अफोर्ड रिलीफ टू द पब्लिक इन डिस्ट्रेस सिचुएशन, डिस्ट्रेस सिचुएशन में उसको जो है इंसाफ मुहैया करना, रिलीफ देना पब्लिक को, ये भी पुलिस की ड्यूटी है। और इसके अलावा अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो उसकी हेल्प करना, उसको असिस्टेंट देना जिसके साथ ये हादसा हुआ है, ये भी पुलिस का काम है। और इसके अलावा अगर कोई विक्टिम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके कानूनी वर्सा को और उसको हादसा से बचाना और उसकी हेल्प करना, ये भी पुलिस की ड्यूटी है। और इसके अलावा अवेयरनेस पैदा करना विक्टिम्स के दरमियान, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लीगल हेड्स जो है उसको अवेयरनेस पैदा करना, उसके राइट्स के बारे में, उसकी प्रिविलेज के बारे में, और उसको असिस्टेंट देना, ये भी पुलिस का एक पुलिस की ड्यूटी है। ये आज हमने देखा कि पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पुलिस की क्या ड्यूटी है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, कल एक नए लीगल लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।